嗯。Mm hmm. mm hmm.

गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग सो so, एक दो मिनट वेट करते हैं हम और थोड़े पार्टिसिपेंट एड हो जाए फिर हम कंटिन्यू करेंगे किसी को कोई अभी तक कुछ डाउट हो किसी टॉपिक में कोई भी रिलेटेड सो यू कैन आस्क अभी तक की क्लास में किसी को कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं सब लोग ज्वाइन हो रहे हैं जब तक एक क्वेश्चन सॉल्व करिए आप लेट आर बी ए रिलेशन ऑन एन गिवन बाय X related to y if and only if X divide Y X divides Y X is related to Y if and only if X divides Y okay. so which of the following?

मेट्रिक एंटीसीमेट्रिक asymmetric एंड ट्रांजिटिव कौन कौन सी प्रॉपर्टी यहां पे सेटिस्फाई होगी आपकी बताइए

Y is divided by X. That is the relation. कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी सिंपल क्वेश्चन है ओके एक्सेप्ट सिमेट्रिक ऑल प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई एक आंसर ये आ रहा है वन फोर सिक्स ठीक है अगेन चेक करना तो जब भी आपको रिफ्लेक्सिव वर्ड बोला है तो आप जस्ट क्या करेंगे बिलोंग ले कर सकता है तो हम क्या बोलेंगे दैट इज पॉसिबल कब वेन क्या कंडीशन दी इज डिड बाई एक्स तो एक्स इज डिड बाई एक्स तो डेफिनेटली एक्स एक्स को डिवाइड करेगा अरे सेम नंबर से सेम नंबर को डिवाइड कर सकते हैं आप तो डिवीजन ऑलवेज रिफ्लेक्सिव होगा आपका क्योंकि डिवाइड में आप same, reflexive में आप क्या बोल रहे सेम एलिमेंट को रिलेट कर रहे हैं तो सेम एलिमेंट उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या या नहीं नहीं उस को करेंगे तो है है देखिए जैसे ही रिफ्लेक्सिव आपने प्रूव किया रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव यह समझ में आया रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूफ हुआ कि दोनों एलिमेंट से हैं आपको और x डिवाइड बाई x करना है ठीक है कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है तो आप जस्ट देखिए कभी भी कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप जब तक सॉल्व करना स्टार्ट नहीं करेंगे वो सॉल्व नहीं होगा आप अगर हम और सोचेंगे उसको सो डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है कि वो एग्जीक्यूट हो जाए क्वेश्चन आप जब तक पेन और पेपर यूज नहीं करेंगे चाहे वो गलत हो रहा है या सही हो रहा है आप ऑटोमेटिक आप जस्ट प्रॉपर्टी पे जाए रिफ्लेक्सिव मतलब क्या तो माइंड में आना चाहिए कि दोनों एलिमेंट सेम होंगे तो दोनों प्लेस पे सेम रखा जहां वहा है तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा एक्स ऑलवेज डिवाइड बाई एक्स सो रिफ्लेक्सिव है अगर रिफ्लेक्सिव है तो जैसे ही आपने प्रूफ किया कि इट इज रिफ्लेक्सिव साइमल्टेनियसली आपका ये प्रूफ हो गया कि इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट एसिमेट्रिक ठीक है क्योंकि देखिए

अगर हमने बोला कि रिफ्लेक्सिव है तो सिमेट्रिक हो सकता है ठीक है यानी कि उसको रिमूव नहीं कर सकते आप डायरेक्टली जैसा हमने रिफ्लेक्सिव के लिए किया तो सिमेट्रिक के लिए तो डेफिनेटली अगर x कॉमा वाई अगर r को बिलोंग कर रहा है यानी कि y अगर x को डिवाइड कर सकता है तो इट इज नॉट पॉसिबल दैट कि आप y कॉमा एक्स ऑलवेज ट्रू बोल दें सो तो इट इज नॉट बिलोंग्स टू r बिकॉज अगर आपने लिखा टू कॉमा फोर तो फोर इज डिवाइड बाई टू बट फोर कॉमा टू नहीं लिख सकते हम टू इज नॉट बाय दैट इज नॉट पॉसिबल क्लियर है तो ये ये तो तो होल्ड करेगा करेगा बट पेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो उसका सिमेट्रिक पेयर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है यानी कि आपका सिमेट्रिक नहीं है ठीक है यानी आप सिर्फ टू फोर लिख सकते हैं लेकिन फोर टू नहीं लिख सकते हैं। तो एंटीसीमेट्रिक होगा या नहीं तो डेफिनेटली होगा सेल्फ पेयर आ रहे हैं प्लस जितने भी अदर देन सेल्फ पेयर आपके पेयर है उनका एक पार्ट आ रहा है symmetric pair का और सेकेंड पार्ट नहीं आ रहा है यानी कि 100 है, ठीक है so, अब transitive property के लिए अगर आप देखें ट्रांजिटिव इज ऑल्सो हंड्रेड परसेंट सेटिस्फाइड रिलेशन ठीक है यानी एक्स कॉमा y, अगर R को बिलोंग हेलो क्या हुआ लास्ट प्रॉपर्टी कैसे बताई आपने ये लास्ट वाली सेटिस्फाई कैसे ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव का बोल रहे हो मैट्रिक की बात सर एसिमेट्रिक यस सर देखिए एसिमेट्रिक का मतलब क्या होता है आपका कि अगर ए कॉमा बी है तो फोर बी कॉमा ए नहीं होना चाहिए ठीक है okay. ये नहीं होना चाहिए तो टू फोर है तो फोर टू नहीं आएगा ये तो क्लियर है ठीक है यानी अगर है तो बी ए नहीं आएगा लेकिन आपके सेल्फ पेयर आ रहे हैं आपका तो आप इर रिफ्लेक्सिव और एसिमेट्रिक डायरेक्ट रिमूव कर सकते हैं ऑप्शन से क्लियर है क्योंकि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो वो हंड्रेड परसेंट इिफ्लेक्सिव नहीं होगा हंड्रेड परसेंट ए नहीं होगा Right? ये जो पॉइंट्स मैं बोल रहा हूं, आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं ताकि वैसे ये प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी हम सारी डिस्कस करें वहां पे हमने एक एक पॉइंट अपोजिट ठीक है, so, में हम बोलते है कि totally opposite, और रिफ्लेक्सिव प्रूव हुआ है इसलिए ऐसे नहीं होगा ना ट्रांजिटिव तो एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर ठीक है अगर एक्स वाई आर को बिलोंग कर रहा है और वाई जेड इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाई को एक्स से डिवाइड कर सकते हैं जेड को वाई से डिवाइड कर सकते हैं तो डेफिनेटली अगर आप वाई को एक्स से डिवाइड कर रहे हैं यानी का मल्टीपल है और वाई जेड का मल्टीपल है तो इनडायरेक्टली आप क्या बोल सकते हैं कि एक्स इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ जेड दंड्रेड परसेंट ट्रू लाइक विद द हेल्प ऑफ अगर आप देखें तो अगर मैंने लिखा यहां पर एट कॉमा फोर ठीक है बिलोंग्स टू तो आर क्योंकि एट बाई फोर इज ट्रू फिर आपने लिख दिया फोर कॉमा टू दैट बिलोंग्स टू आर बिकॉज फोर बाई टू इज ऑल्सो ट्रू यानी आप एट को फोर से डिवाइड कर सकते हो और फोर को टू से कर सकते हो तो डेफिनेटली से डिवाइड होगा बिकॉज द मल्टीपल ऑफ इच अदर सो इट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर सो ट्रांजिटिव रिलेशन भी सारे पेयर के लिए एग्जिस्ट करेगा जो जो आपके ट्रांजिटिव पेयर एग्जिस्ट कर रहे हैं उन सबके लिए होगा सो इट इज ऑल्सो ट्रांजिटिव सो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक सॉरी एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ज दी राइट आंसर नॉट एट इस तरीके से आपको सॉल्व करना है ठीक है तो देखिए ये हमने एक क्वेश्चन देखा यहाँ पे कल की क्लास में हमने जो पढ़ा था दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन में हमारा ट्रांजिटिव से स्टार्ट किया था हमने ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है उसके बाद हमने इक्विवेलेंस रिलेशन देखा इक्विवेलेंस में कार्डिनलिटी देखी लार्जेस्ट की एन स्क्वायर स्मॉलेस्ट की एन फिर हमने बेल्स ट्रायंगल देखा ठीक है उसके बाद कुछ एग्जांपल्स देखे थे हमने है इक्वी बीपर्टी देखते हैं तो so, वो, so, वो आपका क्या होगा पार्शल ऑर्डर होगा गोट एट ना द नेक्स्ट इज पार्टिशन ऑफ सेट देखिए पार्टीशन ऑफ सेट क्या होता है आपका वॉट इज द मीनिंग ऑफ दैट सो पार्टीशन ऑफ सेट का मतलब होता है इट इज कलेक्शन ऑफ एन सबसेट बनाए और उन सबसेट को आप पार्टीशन बोलेंगे कब बोलेंगे दैट पी वन पी टू पी थ्री पी एन दैट इज दबसेट ठीक है ये सबसेट हैं आपके तो किसी भी सेट की आपको सबसेट को पार्टीशन कब बोलेंगे वैन

और अगर आप इंटरसेक्शन परफॉर्म करते हैं किसी भी दो डिस्टिंक्ट सेट पे यानी कि जितने भी सबसेट है उसमें से कोई भी दो डिस्टिंक्ट सबसेट उठाया आपने और इंटरसेक्शन लिया तो वो इंटरसेक्शन आपका क्या होना चाहिए फाई आना चाहिए यानी कि सबसेट में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए ठीक है सो अगर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो सच टाइप ऑफ पार्टीशन इज कॉल सच टाइप ऑफ इज दी पार्टीशन लाइक देखिए सिंपल एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं यहां पर ए इक्वल टू वन टू थ्री ठीक है तीन एलिमेंट है और आपने यहाँ पर पार्टीशंस सबसेट्स निकाले दैट p1 इक्वल्स टू 1 p2 इक्वल्स टू 2 एंड p3 इज इक्वल्स टू 3 तो तीनों सबसेट में आपने अलग-अलग एलिमेंट लिख लिए 1 2 एंड 3 ठीक है सो डेफिनेटली आप यहाँ पे जब यूनियन करेंगे देखिए पहली कंडीशन तीनों में से कोई भी एम्प्टी नहीं है आपका सेकंड अगर आप इन सब का यूनियन करते हैं पी वन यूनियन पी टू यूनियन पी थ्री दैन यू गेट दी ओरिजिनल सेट ए क्योंकि ए वन यूनियन टू यूनियन थ्री क्या आएगा आपका वन टू थ्री आ जाएगा यूनियन यानी सारे एलिमेंट एड कर देंगे आप ठीक है सो दैट इज दी करेक्ट नाउ इंटरसेक्शन आप किसी भी दो का निकाले पी वन पी टू का इंटरसेक्शन क्या आपका आएगा आपका फाइव आएगा पी वन पी थ्री का इंटरसेक्शन भी क्या आपका आएगा आपका फाइव आएगा टू पी थ्री का इंटरसेक्शन भी क्या आएगा आपका फाइव आएगा तो किसी भी दो सेट का इंटरसेक्शन निकाला दैट इज़ यानी कि कोई कॉमन एलिमेंट उनमें नहीं है क्लियर है सो यूनियन इज ओरिजिनल इंटरसेक्शन ऑफ सेट ठीक है तो आपको अगर मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए आपको एक सेट में दिया है कि ठीक है उसको लिख दिया तो आप क्या बोलेंगे ये एक partition हुआ ठीक है यानी कि आप एक से ज्यादा कितने भी पार्टीशन बना सकते हैं लाइक like ये तो एक बनाया आपने सेकेंड आपने मान लीजिए इस टाइप से लिख दिया एक सबसेट ले लिया वन टू और दूसरा ले लिया थ्री ठीक है तो ये दो सबसेट दिस टू इज ऑल्सो अ पार्टीशन दोनों का यूनियन वन टू थ्री आएगा इंटरसेक्शन फाइव आएगा और दोनों में से कोई भी एम नहीं है सो नंबर ऑफ पार्टीशन आप बना सकते हैं सो दैट इज द मीनिंग ऑफ पार्टीशन ऑफ सेट पार्टी देखिए वाई वे पार्टीशन ऑफ सेट इन द रिलेशन ठीक है सेट थ्योरी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमने पार्टीशन ऑफ सेट पे क्यों देखा बिकॉज द पार्टीशन ऑफ सेट की रिक्वायरमेंट हमें आगे रिलेशन में लगने वाली दैट्स वाई हमने यहाँ पे इसको पढ़ा ठीक है सो जैसे हमने इक्वी रिलेशन देखा इक्विवेलेंस रिलेशन में आपने तीन प्रॉपर्टी देखी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ठीक है उसके बाद हमने देखा दैट इज अ पार्टीशन ऑफ सेट सो दिस पार्टीशन ऑफ सेट का यूज किया है ठीक है तो आगे हम देखते हैं द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द इक्विवेलेंस क्लास ठीक है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंस क्लास इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या होता है आपका तो देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन हमने देखा तो रिलेशन आर इज इक्वी बैलेंस इफ एंड ओनली इफ इट इज रिफ्लेक्सिवेट्रिक एंड ट्रांसिटिव ये प्रॉपर्टी अगर क्या है आपका इक्वी बैलेंस है थ्री प्रॉपर्टी वी कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ इक्वी बैलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट ए बिलोंग टू एक्स लाइक दिस देखिये वॉट इज द मीनिंग ऑफ दैट यानी एक बार आपने प्रूफ कर दिया कि जो रिलेशन आपके पास है वो इक्वी बैलेंस है सो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ कर दिया आपने उसके बाद आप क्या फाइंड करेंगे इक्विवेलेंस क्लास उन एलिमेंट्स की जो जिस सेट का आपने इक्विवेलेंस रिलेशन डिजाइन किया है बोला रिलेशन sure आर ऑन सेट एक्स आर किसके ऊपर डिजाइन किया है एक्स क्रॉस एक्स पे ठीक है तो आपने एक रिलेशन बनाया एक्स क्रॉस एक्स पे और जो रिलेशन आपने डिजाइन किया है

उस सेट में आपने एक्स लिखा दैट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू द सेम सेट कब लिखेंगे देखिए से देखते हैं मान मान लीजिए लीजिए मैंने एक पेर लिखा ठीक है ये सेट है आपका ठीक है अब डेफिनेटली देखिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं वॉट एव द एलिमेंट क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है Is it equivalence रिलेशन देखिए वन टू थ्री फोर चार एलिमेंट तो दिख ही रहे हैं हमें तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा या नहीं रीजन इज दैट क्या रीजन है नहीं नहीं है सबसे मेन रिक्वायरमेंट आपकी क्या है दैट इज पेयर सो यू शुड इंक्लूड ऑल दी सेल्फ पेयर चलिए ठीक है अगर हम सेल्फ पेयर लेंगे फिर सिमेट्रिक भी बनाना पड़ेगा सो so, थोड़ा बड़ा हो जाएगा हम थोड़ा छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं लाइक like, हमने यहां पे लिखा वन वन टू एंड थ्री कॉमा थ्री लिया मैंने और लिख दिया वन टू टू वन नाउ इट इज इक्वी बैलेंस ऑल सेल्फ पेयर वन टू टू वन है तो सिमेट्रिक भी है और इनडायरेक्ट ट्रांजिटिविटी सेल्फ पेयर आ रहा है तो वो भी इंक्लूड है नाउ एक सेट ए के ऊपर बनाया आपने जिसमें तीन एलिमेंट है वन टू थ्री ठीक है सो हम क्या बोल रहे हैं कि दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन ये इक्विवेलेंस रिलेशन है आपका सो so, हर एलिमेंट के इस रिलेशन के हर एलिमेंट की क्लास फाइंड करना है आपको ठीक है ई ऑफ वन ई ऑफ टू एंड ई ऑफ थ्री ठीक है तीन एलिमेंट है वन टू थ्री तो क्लास में कौन से एलिमेंट आएंगे जिस एलिमेंट से आपका वो एलिमेंट क्या है रिलेट कर रहा है

वन और किसी से रिलेटेड है क्या आपका नहीं है सो so, एक क्लास आपकी बन गई दैट इज वन टू ठीक है नाउ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ रिलेशन टू एलिमेंट टू तो टू तो लिख दिया आपने टू किससे रिलेटेड है टू वन से रिलेटेड है यानी वन भी आएगा यहाँ पे नाउ थ्री के लिए थ्री आ रहा है थ्री और किसी रिलेटेड है क्या आपका नहीं है तो so, सिर्फ क्या आएगा आपका थ्री आएगा तो so, देखिए तीन एलिमेंट के लिए आपने क्लास फाइंड करी और दो क्लास आपकी क्या है कॉमन है दैट इज सेम ठीक है तो आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछा होता कि ये एक सेट है और एक ये रिलेशन है हाउ मेनी इक्विवेलेंस क्लासेस आर देयर कितनी इक्विवेलेंस क्लास एग्जिस्ट कर रही है तो आंसर इज ओनली टू बिकॉज़ ये दोनों तो सेम है यानी आप क्या बोलेंगे देयर आर टू इक्विवेलेंस क्लास टू इक्विवेलेंस क्लास म तो e e so, इन दोनों के लिए एक काउंट करेंगे आप और सेकेंड इक्वेलेंस क्लास इज फोर ई ऑफ थ्री थर्ड एलिमेंट के लिए सो आंसर इज टू क्लियर है तो आपको इस तरीके से क्या करना अदरवाइज क्वेश्चन का कोई मीनिंग नहीं रहेगा अगर मान लीजिए हर एलिमेंट के लिए अलग अलग क्लास है तो आंसर आपको ऑलवेज क्या रहेगा नंबर ऑफ एलिमेंट बट क्वेश्चन आपको इसी टाइप से पूछा जाता है और इक्वेलेंस क्लास पे क्वेश्चन आते हैं तो आपको अगर एक रिलेशन दिया है और पूछा है कि हाउ मेनी इक्विवेलेंस क्लासेस आर देयर कितनी इक्विवेलेंस क्लासेस वहां पर बनेगी आपकी सो इन दैट केस आप किस तरीके से चेक करेंगे, so जस्ट आपने यहाँ पे फाइंड किया रिलेशन ठीक है कि वन किस किस से रिलेटेड है टू किस किस से रिलेटेड है और थ्री किस किस से रिलेटेड है वो एलिमेंट्स आप सेट में इंक्लूड करते गए ठीक है जो भी कॉमन आ रहा है उसको एक बार काउंट करना है तो वन और टू कॉमन है क्योंकि यहाँ वन टू लिखा है टू वन लिखा है देखिए ऑर्डर कुछ भी लिख सकते हैं बिकॉज इट इज अ सेट और सेट में आप अनऑर्डर्ड कलेक्शन बोलते हैं तो वन टू लिखे टू वन लिखे किसी भी ऑर्डर में लिखे सेम रहेगा वो सो दैट इज सेम और थ्री क्या है आपका एक्जेक्टली exactly थ्री है सो दैट इज दन टू एंड थ्री क्लियर सो दो इक्वेलेंस क्लासेस बन रही है so समझ में आया इस डेफिनेशन का मतलब क्या है जस्ट दैट इज दिस किसी भी एलिमेंट की क्लास फाइंड करेंगे सो so क्लास के लिए आप क्या बोलेंगे कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट से जो जो रिलेटेड एलिमेंट है वो सारे उसके सेट में आएंगे चलिए लाइक like मैंने एक यहां पर एक सेट लिया एंड रिलेशन आर इज वन कॉमा वन कॉमा टू थ्री कॉमा थ्री फोर कॉमा फोर थ्री फोर फोर वन सॉरी थ्री फोर फोर थ्री ठीक है दैट इज बताइए हाउ मेनी इक्विवेलेंस क्लास आर देयर कितनी इक्विवेलेंस क्लास होगी यहां पर उ मेनी इक्वी बैलेंस क्लास अब देखिए इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करने से पहले यू मस्ट इंश्योर दैट द रिलेशन इज इक्विवेलेंस और नॉट ठीक है ऐसे तो मैंने अभी जो रिलेशन बनाया दैट इज इक्विवेलेंस बट अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको ये इंश्योर करना है कि रिलेशन इज इक्विवेलेंस और नॉट यस सो आर थ्री इक्विवेलेंस क्लासेस वन के लिए वन ओनली वन किसी और से रिलेटेड नहीं है टू के लिए आपका टू ओनली थ्री के लिए थ्री एंड थ्री फोर से रिलेटेड है तो फोर आ जाएगा आपका फोर के लिए अगेन फोर फोर कॉमा फोर है तो फोर तो आना ही है फोर के साथ क्या आएगा आपका थ्री आएगा सो टोटल थ्री इक्वीवेंस क्लासेस सो वॉट इज द इक्वेलेंस क्लासेस अगर आपसे पूछा है ऑप्शन आपको इस टाइप से दिए रहेंगे इक्वेलेंस क्लासेस कौन कौन सी है तो वन टू एंड थ्री फोर इस तरीके से आपको ऑप्शन दिए हुए रहेंगे ठीक है

इसके पहले जो टॉपिक व्हाट इज दिस जो सबसेट्स हैं ये क्या बना रहे हैं आपके पार्टीशन सेट यस सो इट इज अ पार्टीशन क्लियर है जो भी आपकी इक्विवेलेंस क्लासेस होगी दैट इज पार्टीशन ऑफ ओरिजिनल सेट दैट इज हंड्रेड परसेंट पार्टीशन पार्टीशन मतलब इन सब का यूनियन करेंगे तो ओरिजिनल ए मिल जाएगा इंटरसेक्शन करेंगे तो फाइ आ जाएगा आपका ठीक है तो एक पॉइंट आप क्या लिखेंगे यहां पर इक्विवेलेंस क्लास इक्विवेलेंस क्लास equivalence classes always equivalence classes always design partition of sets always design partition of set equivalence classes always design partition of set clear hai तो जैसे इसके पहले जो एग्जाम्पल देखा था आपने तो यहाँ पे आपकी दो क्लास आ रही है एक वन टू और एक थ्री तो वन टू एंड थ्री इज आल्सो पार्टीशन दोनों का इंटरसेक्शन फाइव और दोनों का यूनियन वन टू थ्री क्लास सो इक्विवेलेंस क्लास ऑलवेज डिजाइन द पार्टीशन ऑफ सैट मान लीजिए आपने किसी क्वेश्चन में इक्विवेलेंस क्लासेस निकाली और उसमें आपने कहीं कोई कॉमन एलिमेंट आ रहा है दो से क्लास में ठीक है या फिर आपकी इंटरसेक्शन फाइव नहीं आ रहा है किसी केस में तो इसका मतलब ये है कि या तो आपने गलत निकाला है या फिर जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस नहीं है ठीक है या तो जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस नहीं है आपका या फिर दैट इज़ दी नॉट करेक्ट क्लासेस क्लियर सेट रहता है हाँ वो तो अपन इक्वेलेंस क्लास का नहीं भी निकाल सकते ना मतलब कि लाइक जरूरी नहीं है कि लाइक जो हम पार्टीशन सेट निकाले वो सिर्फ और भी क्लास का भी निकालें नहीं नहीं ये नहीं बोल रहे हैं देखिए पॉइंट क्या है इक्विवेलेंस क्लासेस ऑलवेज डिजाइन पार्टीशन ऑफ सेट बट पार्टीशन ऑफ सेट इज ऑलवेज इक्विवेलेंस क्लासेस इट इज नॉट ट्रू रिवर्स स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ये तो हमने क्लास फाइंड की वो जो क्लास आ रही है वो पार्टीशन होगी वन ऑफ द पार्टीशन इसके बहुत सारे पार्टीशन हो सकते हैं उसमें से एक पार्टीशन होगा अरे क्लियर है इसका एक पार्टीशन आप ये लिख सकते हैं वन टू थ्री फोर दैट इज ऑल्सो पार्टीशन ठीक है वन टू थ्री फोर चारों अलग अलग सबसेट्स में रख देंगे That is also partition. But... के लिए सबसे रूल कितने चाहिए नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है आपका कितने भी भी बन सकते हैं आप आप वो वो logic उस case में आप वो देखिए उस में में लगा के निकालेंगे जो भी, कि आपने one, एक set में रख दिया फिर two, three, four को अलग अलग सेट में रख रहे हैं या सेम सेट में रख रहे हैं ठीक है एक को फिक्स कर दिया रिमेनिंग के कॉम्बिनेशन सो so, वो दैट देर इज नॉट एनी लाइक डायरेक्ट फॉर्मूला बट वो आप कॉम्बिनेशन से जो भी आंसर निकाले बट क्वेश्चन आपको इक्विवेलेंस क्लास पे क्वेश्चन आता है ठीक है या फिर आपको question अगर बना तो भी किस से आएगा कि आपको एक सेट दे दिया और कुछ subsets दे दिया और बोल दिया कि कौन सा पार्टीशन जस्ट फाइंड यूजिंग द रूल की इंटरसेक्शन फाइव आए और यूनियन क्या है आपका ओरिजिनल सेट आ जाए okay. 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 अब देखिए इक्विवेलेंस क्लास में क्वेश्चन किस टाइप से आता है आपका सो so, लिखता हूं मैं यहां पे। फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लास इफ फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लास इफ टू नेचुरल नंबर चुरू नेचुरल नंबर फॉर्म अ पेयर टू नेचुरल नंबर फॉर्म अ पेयर यानी कि दो नेचुरल नंबर रिलेट कब होंगे इफ ए माइनस बी मॉड ऑफ ए माइनस बी मॉड फाइव इज इक्व टू जीरो वॉट इज द मीनिंग ऑफ दैट हमने इक्वेलेंस क्लास फाइंड करनी है

और उसका मोट फाइव निकाले मोट फाइव यानी कि रिमाइंडर कैलकुलेट करे फाइव से डिवाइड करके और अगर वो जीरो आता है तो वो पेयर इंक्लूड करना है और अगर जीरो नहीं आता है तो नहीं इंक्लूड करना है तो पहले तो रिलेशन बनाना है और फिर रिलेशन से क्लास फाइंड करनी है क्लियर दैट इज दिस ठीक है तो अब देखिए सेट तो इनफाइनाइट है तो आपको ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट रिलेशन बनाते जाएं आप जस्ट पैटर्न समझना है हमें ठीक है समझ में आया ना दो एलिमेंट कब रिलेट होंगे जैसे 1, 6 लिखा मैंने तो 1 और 6 रिलेट हो सकते हैं या नहीं सो so, 1 6 मोड 5 सो so, 1 6 कितना आएगा आपका 5 5 मोड 5 इज 0 कंडीशन सेटिस्फाई सो ये पेयर आपका इंक्लूड हो जाएगा ऐसे दो का डिफरेंस फाइव का मल्टीपल होना चाहिए ऐसे सारे पेयर आपको इंक्लूड करना है और उन पेयर का करस्पॉन्डिंग क्लासेस फाइंड करनी है तो कितनी डिफरेंट क्लासेस बनेगी दैट इज क्वेश्चन देखो तीन प्रॉपर्टी चेक करना है जस्ट आपको कि आप क्लास क्वेश्चन अगर आपसे बोला है कि इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है तो पहले ये इंश्योर करना है हमें कि जो रिलेशन बन रहा है वो इक्विवेलेंस बनेगा या नहीं तो इक्विवेलेंस बनेगा या नहीं उसके लिए आपको तीन प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव तो क्या सारे सेल्फ पेयर आएंगे 11 22 33 अप टू nn सेकंड सिमेट्रिक और थर्ड वन इज द ट्रांजिटिव सबसे पहले तो आप जस्ट रिलेशन बनाइए ठीक है आपने अगर रिलेशन बना लिया तो आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा कि क्लास कितनी बनने वाली है, आंसर जो है वो दैट इज अ फाइनाइट नंबर ठीक है सेट आपका इनफाइनाइट है बट आंसर इज अ फाइनाइट यस yes, कुछ लोगों का आंसर आया है कोई भी अगर आपको डाउट आ रहा है सो यू कैन आस्क अच्छा सेल्फ पेयर इंक्लूड कर सकते हैं या नहीं हम कर सकते हैं यस देखिए ऑलरेडी मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया है कि जब भी आपका मॉड लगा है और डिफरेंस है ठीक है तो आपको सबसे पहले तो प्रॉपर्टी पूरा सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं आपका सब ऑपरेशन क्या है minus... माइनस हाँ तो कोई फाइनाइट नंबर है हाँ फाइनाइट नंबर है नहीं? देखिए a माइनस बी लिखा है अब रिजल्ट क्या चाहिए किसी भी नंबर से रिमाइंडर जनरेट करे और रिमाइंडर जीरो आए तो जब आपका a माइनस ए लिखेंगे आप तो डेफिनेटली जीरो आएगा और जीरो रहेगा जीरो मोट फाइव जीरो यानी कि हंड्रेड परसेंट आपका रिफ्लेक्सिव होगा कि ए की प्लेस पे कुछ भी रखें आप कोई भी नेचुरल नंबर रखें दैट इज हंड्रेड परसेंट डिविजिबल यानी रिफ्लेक्सिव तो है आपका यानी वन वन टू टू 33 अप टू एन एन सारे पेयर रहेंगे नाउ उसके बाद सिमेट्रिक देखना है तो क्या सिमेट्रिक होगा तो 100% परसेंट होगा बिकॉज़ आपका सबट्रैक्शन है विथ मोड अगर ए माइनस सेटिस्फाई कर रहा है तो बी माइनस ए भी करेगा अब ए माइनस बी में कौन सा पेयर आ रहा है वो सेकेंडरी चीज है बट अगर आता है तो वो डेफिनेटली क्या करेगा उसे सेटिस्फाई करेगा ठीक है लाइक जैसा हमने लिखा 16 सो so 16 अगर आपका सेटिस्फाई हो रहा है तो डेफिनेटली 6,1 भी सेटिस्फाई करेगा 6 1 मोड 5 दैट इज आल्सो जीरो क्योंकि यार आपने मोड लगा रखा है हाँ फोर सर फोर सेट आएंगे नहीं नहीं एक बार और चेक करो यू आर क्लोज टू आंसर बट वो पहला वाला आएगा 16 11 16 21 लगता है अच्छा करेक्ट करेक्ट

हाँ आंसर इज राइट फाइव यस सो देखिए ये पैटर्न आपको जस्ट आपने बोला वन सिक्स ठीक है तो वन सिक्स से रिलेटेड है तो सिक्स कॉमा वन भी आ जाएगा वन और किससे रिलेटेड हो सकता है सो वन इलेवन से रिलेटेड हो सकता है आपका क्योंकि इलेवन और वन का डिफरेंस क्या है टेन फिर इलेवन वन भी लिख सकते हैं आप क्लियर है सो इस तरीके से आप वन किस किस से रिलेटेड कर सकते हैं वन सिक्स से फिर इलेवन से सिक्सटीन से क्योंकि फाइव का डिफरेंस फाइव के मल्टीपल डिफरेंस आना चाहिए आपका तो 15. क्योंकि ये जो डिफरेंस आ रहा है ये 5 के होगा, तभी मॉट फाइव जीरो निकलेगा आपका तो आपने ये तो समझ लिया कि रिफ्लेक्ट सिमेट्रिक तो है अब ट्रांजिटिव समझना है आपको तो आपने बोला वन सिक्स और अगर मैं सिक्स से कोई नंबर लिखता हूं तो 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 और और आपने लिख दिया, like that is the के corresponding आपने लिख दिया दिया के के का डिफरेंस कितना है that is 10, है तो है और 16 है जो तो कि भी हमने include किया है यानि भी यहाँ पे बन जाएगी आप एक ही पेयर लिखोगे उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि सारे ट्रांजिटिविटी बनेगी यानी सो so डेफिनेटली बनेगी यहाँ पर क्योंकि जब दो नंबर फाइव के मल्टीपल है नेक्स्ट दो नंबर फाइव के मल्टीपल है तो फर्स्ट और थर्ड वाला भी फाइव के मल्टीपल होगा ये सारी चीजें तो आपने लिख दी अब आपको देखिए आप ये टास्क हमने क्यों किया क्योंकि हमें ये चेक करना था कि क्या आपका रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं है तो या तो अगर आपको डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि यस सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव सारी प्रॉपर्टी बन रही है तो इक्विवेलेंस तो बन जाएगा तो आप डायरेक्ट क्लास फाइंड करना स्टार्ट कर दें सो फर्स्ट ई ऑफ वन तो देखिए वन किस किस से रिलेटेड है वन वन से फिर सिक्स से इलेवन से जस्ट फाइव एड करते जाए इसमें आप वन सिक्स इलेवन इलेवन प्लस ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन प्लस फाइव ट्वेंटी सिक्स एंड सो ऑन इस तरीके से चलेगा आपका ठीक है और हमें पता है कि सिमेट्रिक नेचर है तो सिक्स के केस में भी यही सीरीज बनेगी इलेवन के केस में भी यही बनेगी सिक्सटीन के केस में भी यही बनेगी ठीक है देखते हैं हम उसको ऑफ टू टू ठीक है उसके बाद सेवन टू प्लस फाइव सेवन सेवन प्लस एंड सो ऑन ठीक है ना ई ऑफ थ्री दैट इज थ्री फाइव एट एट प्लस फाइव थर्टीन एटीन ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी एट एंड सो ऑन ई ऑफ फोर फोर फोर्टीन ट्वेंटी सॉरी नाइनटीन ट्वेंटी फोर ट्वेंटी नाइन एंड सो ऑन द लास्ट ईफ फाइव दैट इज इक्व टू फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थर्टी एंड सो ऑन अब जैसे ही आप सिक्स की बात करते हैं तो देखिए सिक्स में वही रहेगा सिक्स सिक्स से रिलेटेड है सिक्स वन से रिलेटेड होगा इलेवन से होगा सिक्सटीन से होगा ट्वेंटी वन से होगा ट्वेंटी सिक्स से होगा क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे सैम्पल्स है इतना भी चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि हम पता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन तो प्रूव कर चुके हैं हम तो हमें पता है कि जब वन की सेट में सिक्स आ गया है तो सिक्स के सेट में हंड्रेड परसेंट सिक्स का अलग से कोई सेट नहीं बनना है क्योंकि दैट ऑलवेज डिजाइन अ पार्टीशन तो जब आपके एक सेट में वन सिक्स इलेवन ये वन ट्वेंटी तो ये किसी और सेट में आप जाएंगे ही नहीं बिकॉज वो एक पार्टीशन है आपका सो दिक्स ई सिक्स इसी के लिए ई सिक्स बन जाएगा आपका इसी के लिए ई इलेवन बन जाएगा एंड सो ऑन ठीक है तो देखिए आप यहाँ पे देखिए तो सारे नेचुरल नंबर कवर हो रहे हैं आपके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट नाइन टेन अलेवन टीवन ट्वेंटी सो ऑन सो इन फाइव क्लास के अंदर सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे आपके सो so अभी कोई नेचुरल नंबर बचा ही नहीं जिसके लिए अलग से क्लास बनाए आप सो टोटल क्लासेस इज फाइव फाइव इक्वेल क्लास गॉट एट सर Okay. so that is the equivalence class now let one more example except the app set a that is equals to two three four five up to 20 okay. and condition the app ए इज रिलेटेड टू बी इफ दियर ग्रेटेस्ट प्राइम डिविजर दियर ग्रेटेस्ट प्राइम डिविजर इज सेम देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट दो एलिमेंट कब रिलेट कर सकते हैं आप सेट में जब उन दोनों का ग्रेटेस्ट प्राइम डिविजर ठीक है यानी कि दोनों के डिवीजर निकालेंगे आप डिफरेंट डिविजर्स कितने होते हैं उन दोनों डिवीजर के डिविजर्स में जो ग्रेटेस्ट प्राइम डिवीजर होगा वो अगर सेम है तो हम क्या बोलेंगे कि दैट इज दी रिलेटेड ठीक है अदरवाइज उनको रिलेट नहीं करना है गॉट इट सो वो रिलेशन बनाना है और फाइंड क्या करना है इक्वलेंस क्लासेस ठीक है तो सेट इज दिस एंड रिलेशन इज दिस नाउ हाउ मेनी इक्वलेंस क्लास हाउ मैनी इक्वीवेंस क्लास कितनी क्लास बनेगी आपकी देखिए रिलेशन समझ में आया या नहीं आगे सर ओके प्राइम डिवीजर प्राइम नंबर आपका दोनों का डिविजर्स निकालें और उनमें जो ग्रेटेस्ट प्राइम डिवीजर है वो आपका सेम होना चाहिए खैर इसको मतलब इस क्वेश्चन के लिए अगर थोड़ा सा आपको प्राइम का नॉलेज है सो डायरेक्ट आंसर इसका आप बता सकते हैं विदाउट सॉल्विंग प्राइम डिविजन मतलब क्या अगर मैंने लिखा टू कॉमा थ्री टू और थ्री रिलेट हो सकते नहीं तो देखिए टू के डिविजर क्या क्या है आपके वन और टू टू के डिविजर है आपके दैट इज़ एंड और थ्री के डिविजर क्या है आपके दैट इज वन एंड थ्री सॉरी दैट इज़ वन एंड थ्री टू के डिविजर है थ्री के डिविजर है वन और थ्री तो इसके इस पर हम क्या बोलेंगे कि यहां पर आपका प्राइम ग्रेटेस्ट डिविजर कौन सा है टू और इसका ग्रेटेस्ट डिविजर है थ्री दोनों प्राइम है बट दोनों सेम है क्या नहीं है यानी कि टू थ्री नहीं आएगा इस तरीके से आपको चेक करना है सॉरी ये कॉल आ गया था दैट्स व्हाई ओके सो द राइट आंसर इज एट देखिए यहां पर अगर आप देखें यस राइट एट इज द राइट आंसर सो टू और थ्री आप रिलेट नहीं कर सकते तो क्लियरली दिख रहा है आपको सारे सेल्फ पेयर होंगे या नहीं तो देखिए यहां पर अगर हम बात करें टू की टू कॉमा टू ठीक है अगर रिलेशन में मैं टू कॉमा टू लिखता हूं तो दैट इज करेक्ट दैर इज नॉट एनी प्रॉब्लम बिकॉज दोनों का कॉमन डिविजन टू है और टू इज द प्राइम नंबर क्लियर है ना टू इज द प्राइम नंबर देखिए प्राइम का प्रॉपर्टी क्लियर होनी चाहिए हमें टू थ्री ठीक है फाइव सेवन इलेवन थर्टीन सेवनटीन एंड नाइनटीन दैट इज द प्राइम नंबर जो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको और जो प्राइम नंबर है वही क्लासेस बनने वाली है ठीक है तो दैट इज द लॉजिक वही लॉजिक था आपका कि जितने सेट में प्राइम नंबर है उतनी क्लासेज बनेगी तो एट प्राइम नंबर है सो एट इज द राइट आंसर सो so, यहां पे लिखा आपने टू कॉमा टू फिर आप दी नेक्स्ट थ्री एंड टू कॉमा टू नेक्स्ट इज थ्री थ्री कॉमा थ्री भी लिख सकते हैं फोर कॉमा फोर भी लिख सकते हैं क्योंकि फोर का डिवीजर देखिए हाइएस्ट प्राइम डिविजर जो है दैट इज टू एंड दैट इज ऑल्सो टू कॉ रेट यू तो फोर डिवीजर होगा लेकिन फोर इज नॉट प्राइम टू इज प्राइम तो हाइएस्ट प्राइम डिविजर इज टू

तो टू के साथ आप फोर लिख सकते हैं टू कॉमर फोर इज अलाउ बिकॉज इसका डिविजर प्राइम प्राइम हाइएजर इज टू इसके टू और फोर दो है तो प्राइम डिविजर जो है वो कॉमन है आपका दैट इज क्या टू सिक्स लिख सकते हैं हम नो सर नो सर यस बिकॉज सिक्स का डिविजर क्या है आपका थ्री है तो दैट्स दैट टू एट आएगा टू के बाद सिक्सटीन आ जाएगा आपका ठीक है ओनली दिस उसके बाद एटीन ट्वेंटी के अलग अलग डिविजन बनेंगे आपके ठीक है तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं अब हम यहाँ पे अगर देखें कि फोर से एट लिख सकते हैं हम तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी चेक करना है आपको तो देखिए टू फोर लिखा है फोर टू तो आई जाएगा आपका बहुत हार सेम सो टू फोर फोर से एट तो टू से एट ऑलरेडी लिखा है आपने ठीक है फोर कॉमा सिक्सटीन भी एग्जिस्ट करेगा तो टू फोर फोर सिक्सटीन यानी टू सिक्सटीन दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट ठीक है सेम थ्री से सिक्स आएगा सिक्स से थ्री लिख सकते हैं आप थ्री से नाइन लिख सकते हैं एंड सो ऑन ये सारे पेयर एग्जिस्ट करेंगे नाउ अब क्लास की बात करें हम तो ईफ टू क्लासेस ऑफ टू इज दिस टू लिखा आपने टू के बाद देखिए से रिलेटेड है तो फोर से एट से सिक्सटीन से ठीक है दैट इज फोर से रिलेटेड होगा आपका टू गॉट इट क्योंकि इन सब के साथ कॉमन डिविजर जो है वो प्राइम आपका आएगा सेम ई ऑफ थ्री थ्री के लिए क्लास क्या बनेगी आपकी दैट इज थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन आएगा क्या यहाँ पर नहीं नहीं आएगा नहीं नौस आएगा बिकॉज का फोर so e तो यही बन जाएगी आपकी ठीक है देखिए हमें पता है कि इक्वेल क्लास पार्टीशन होता है तो टू फोर एट सिक्सटीन की क्लास यही रहेगी आपकी फिर फाइव के लिए आप फाइंड करेंगे फाइव टेन फिफ्टीन एंड ट्वेंटी ये सेट में आ गया आपका फिर सिक्स के लिए कैलकुलेट करेंगे आप दैट इज सिक्स इज सॉरी सिक्स के लिए से, ये थ्री वाली आ जाएगी आपकी दैट इज सिक्स के लिए थ्री इज सेम तो सिक्स के लिए ये बन जाएगी सिक्स नाइन ट्वेल्व फिर नेक्स्ट आपका सेवन के लिए क्योंकि देखिए जितने प्राइम नंबर है उन सब के लिए अलग अलग क्लास बनेगी सेवन और फोर्टीन दो रिलेटेड होंगे आपके दोनों का कॉमन डिविजर सेवन ई नाइन नाइन ऑलरेडी यूज हो चुका है आपका टेन भी यूज हो गया है इलेवन के लिए बनेगा आपका सो so इलेवन सिर्फ इलेवन से रिलेटेड होगा क्योंकि इलेवन का आगे कोई ऐसा देख ही नहीं रहा है इसी सेट में आ जाएगा यहाँ पे आ गया है सिक्सटीन यहाँ आ रहा है सेवनटीन के लिए अलग से बनेगा आपका एटीन इज ऑल्सो कवर इन दिस सेट सो नेक्स्ट वन इज नाइनटीन सिर्फ 19, नाइनटीन 19 आएगा आपका एंड ट्वेंटी इज ऑल्सो कवर इन दो दैट इज दोटल क्लासेस कितनी हो गई टू थ्री फाइव सिक्स सेवन इलेवन थर्टीन एटीन सो दाइव प्लस ठीक है ये कवर हो गई आपकी थ्री एंड फाइव एट एट क्लास आर देर ठीक है तो अगर हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जो प्राइम नंबर है उसी के थ्रू आपकी क्लास जनरेट हो रही है जितने डिफरेंट प्राइम नंबर होंगे उतने डिफरेंट सेट बनने वाले हैं क्योंकि वो प्राइम आपके आपस में रिलेट नहीं हो सकते ठीक है तो ग्रेटेस्ट प्राइम डिविजर आपने बोला है कि डिविजर ग्रेटेस्ट प्राइम डिविजर सेम होना चाहिए तो दो प्राइम आपके सेम सेट में पॉसिबल ही नहीं है तो जितने प्राइम डिविजर है उतने तो आपके यहाँ पे सेट बन नहीं है ठीक है उसके अलावा मान लो आपको कुछ दिख रहा है वो अलग चीजें कोई लॉजिक अलग फिट हो रहा है बट आपके जैसे आपने डिविजर की बात की है तो जितने डिफरेंट प्राइम नंबर है उन सबके अलग अलग सेट बनने हैं तो तो एट क्लासेस तो यहाँ पे क्लियरली दिख रही है गॉट अच्छा अगर मैं इस सेट में वन लिख देता हूं वन टू थ्री फोर फाइव टू ट्वेंटी सेम क्वेश्चन है जस्ट हमने वन एड कर दिया अभी क्या होगा

ये आपका रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं रहेगा सो आंसर इज जीरो इक्विवेलेंस क्लास ठीक है इसके लिए क्लास जीरो हो जाएगी आपकी कोई क्लास एग्जिस्ट नहीं करेगी या फिर ऑप्शन इस टाइप से दिया होगा आपका कि द रिलेशन इज नॉट इक्विवेलेंस या क्लास इज नॉट पॉसिबल इस टाइप से कुछ भी ऑप्शन रहे तो ये ध्यान रखना है हमें कि अगर क्वेश्चन में आपको रिलेशन ही इक्विवेलेंस नहीं दिया है तो आंसर आपका जीरो आएगा या नॉट पॉसिबल

So, देखिए क्या पॉइंट लिखा है एस वी नो दैट द रिलेशन आर जस्ट वेल यानी कि आपका रिलेशन क्या है कलेक्शन है तो जितने भी ऑपरेशन आप सेट पे अप्लाई करते हैं रिलेशन सो टू रिलेशन कैन बी कम्बाइंड इन सेवरल वे तो रिलेशन को आप कंबाइन कर सकते हैं द फर्स्ट वन इज यूनियन ठीक है सेकेंड इज इंटरसेक्शन ठीक है एंड देर आर वेरियस प्रॉपर्टीज सो क्लोजिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या है वॉट इज द मीनिंग ऑफ क्लोजर तो देखिए क्लोजर का मतलब ये होता है कि आप किसी भी दो एलिमेंट पे या हम यहां पर माइक म्यूट करिए ठीक है क्लोजर का वर्ड का मतलब क्या होता है आपका कि आप जब भी किसी दो रिलेशन पे ठीक है जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी वर्ड आपको बहुत सी जगह देखने को मिलेगा आप थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में हम लैंग्वेजेस की क्लोजर प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते हैं ठीक है यहाँ हमें स्ट्रक्चर आगे जो पढ़ेंगे हम इन दिस मैथ्स तो वहां भी आप क्लोजर वर्ड यूज करेंगे सो so क्लोजर का मतलब ये होता है कि आप जिस भी एलिमेंट पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद अगर वो जो रिजल्ट आ रहा है वो उसी पर्टिकुलर सेट को बिलोंग कर रहा है यानी कि मान लीजिए मैंने एक सेट में नंबर ऑफ रिलेशंस लिखे दो रिलेशन का यूनियन लिखा और यूनियन के बाद जो रिजल्ट आया अगर वो इसी सेट से बिलोंग कर रहा है यानी इनमें से किसी एक रिलेशन को फॉलो कर रहा है वो देन हम क्या बोलेंगे इट इज क्लोज अदरवाइज हम क्या बोलेंगे इट इज नॉट क्लोज क्लियर है

अलग अलग रिलेशन पे अप्लाई करेंगे द फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव सो क्या यूनियन ऑफ टू रिफ्लेक्सिव इज रिफ्लेक्सिव और नॉट यूनियन ऑफ टू रिफ्लेक्सिव यूनियन ऑफ टू रिफ्लेक्सिव आपका रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं तो देखिए कोई भी एक सेट ले लिया आपने लाइक दिस ए इक्वल टू वन टू थ्री ठीक है और एक रिलेशन लिखा आर वन मैंने दैट इज वन कॉमा वन टू कॉमा टू थ्री कॉमा थ्री और वन टू ये पेयर लिखा आर टू लिया हमने दैट इज वन 2.2, वन टू कॉमा टू थ्री कॉमा थ्री एंड टू थ्री कोई भी पेयर ले लेंगे क्योंकि देखिए कंडीशन क्या है यूनियन ऑफ टू रिफ्लेक्सिव ठीक है यूनियन ऑफ रिफ्लेक्सिव यानी कि दो रिफ्लेक्सिव का यूनियन तो वो आपस में यूनियन मतलब वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए आर वन रिफ्लेक्सिव है यस yes.

कर रहे तो वो दोनों तो पहले उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करनी चाहिए यानी ऐसा नहीं होगा कि आपका आर टू आपने रिफ्लेक्सिव लिया ही नहीं ठीक है सो आर वन इज रिफ्लेक्सिव आर टू इज रिफ्लेक्सिव देर यूनियन आर टू इज हंड्रेड परसेंट रिफ्लेक्सिव क्योंकि यूनियन क्या करेगा पेयर को एड करेगा तो जब दोनों में सेल्फ पेयर प्रेजेंट है तो हंड्रेड परसेंट यूनियन के रिजल्ट पे भी सेल्फ पेयर प्रेजेंट होंगे सो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे यूनियन ऑफ टू रिफ्लेक्सिव ठीक है वर्ड आप टू टू लगा दीजिए दैट यूनियन ऑफ रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव इज़ ठीक है सो इसका मतलब क्या हुआ कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन That means reflexive relation is closed under union operation. Reflexive relation is closed under union operation. All right. Union of two reflexive is also reflexive. Reflexive relation is closed under. Union union operation, that is is the meaning. थीके? closed closed. reflexive Reflexive that's why it is closed. तो पहली property आपकी union थी अब यूनियन में हम सारे रिलेशन के देखेंगे। तो यूनियन ऑफ टू रिफ्लेक्सिव इज रिफ्लेक्सिव दैट इज करेक्ट क्लियर है रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज क्लोजर यूनियन ऑपरेशन ना इिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा आपका दो इर रिफ्लेक्सिव का यूनियन इसिव होगा या नहीं बताइए यूनियन ऑफ टू इिफ्लेक्सिव इज इिफ्लेक्सिव और नॉट मे बी पॉजिबल मे बी एक बार और सोचिए एग्जाम्पल लेके चेक करिए होगा या नहीं वोस्तों वोस्तों।

Any self pair, so one two two one and two three one four ठीक है two one common था एक बार लिख लिया आपने, so it is also irreflexive ठीक है ये दोनों भी आपके irreflexive है, so union is also irreflexive ठीक है, so that is closed under union ठीक है, so statement आप क्या बोलेंगे कि union of two irreflexive is also

Is union or not. Sir, in that case, रिलेशन इज अंडर यूनियन और नॉट सर एक बारिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव है या नहीं देखिये सेट कोई भी हो आपका लाइक like सेट हमने ले लिया वन टू थ्री फोर आर वन और आर टू इन नॉट बताइए आर वन आर टू है या नहीं प्रॉपर्टी आपको क्लियर हेलो किसने डाउट पूछा था, था? अरे डाउट किसने पूछा था कहाँ गए अरे यौ नो तो बोली या ये क्लियर ही नहीं है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं देखिए चलिए मैं समझाता हूँ आर वन वन टू टू वन है आपका Got it? So, in that case, का मतलब कोई सेल्फ पेयर नहीं होना चाहिए तो यहां पे सेल्फ पेयर नहीं आर टू में भी आपने सेल्फ पेयर नहीं लिया क्योंकि जो इनपुट आप ले रहे हैं इनपुट इज दिस आर वन एंड आर टू तो ये आपका इर रिफ्लेक्सिव होना कंपलसरी है तो आर वन इज इिफ्लेक्सिव एंड आर टू इज इिफ्लेक्सिव क्योंकि यहां पे कोई सेल्फ पेयर नहीं है और यहां पे भी कोई सेल्फ पेयर नहीं है तो जब इन दोनों में कोई सेल्फ पेयर नहीं है तो यूनियन परफॉर्म करेंगे उसके बाद कोई सेल्फ पेयर आना पॉसिबल ही नहीं है कि जब आपके इनपुट में ही सेल्फ पेयर नहीं है तो आउटपुट में कैसे होगा क्लियर है गॉट इट अरे समझ में आया यस सर ओके सो इट इज लोज ठीक है तो हम क्या बोलेंगे यूनियन ऑफ टू इिफ्लेक्सिव इज इिफ्लेक्सिव चलिए सिमेट्रिक के लिए बताइए क्लोज और नॉट यस सो अगेन सिमेट्रिक के लिए देखिए इनपुट आपका क्या है लाइक like, आपने लिखा आर वन एक सिमेट्रिक रिलेशन लेना है आपको सो वन टू लिया है तो टू वन भी लेना पड़ेगा तभी सिमेट्रिक बोलेंगे आर टू मान लीजिए मैंने ले लिया डेट इज वन थ्री एंड थ्री वन क्योंकि इन दोनों को सिमेट्रिक बनाना पड़ेगा हमें और उसके बाद इनका यूनियन लिया आपने सो यूनियन इज सिमेट्रिक और नॉट सो यस इट इज ऑल्सो सिमेट्रिक बिकॉज वन टू टू वन एंड वन थ्री थ्री वन सारे पेयर आ जाएंगे क्योंकि या तो दोनों पेयर इंक्लूड होंगे या दोनों ही नहीं होंगे यूनियन so, का मतलब क्लियर है कि आपको इसके सारे पेयर और इसके सारे पेयर ऐड करने हैं तो जब R1 वन सिमेट्रिक है और R2 टू सिमेट्रिक है तो जब दोनों का यूनियन लेंगे तो सारे पेयर इंक्लूड होंगे यानी कि उसका यूनियन भी क्या होगा आपका सिमेट्रिक होगा ठीक है सो अगेन आप क्या बोलेंगे दैट इज क्लोज अंडर यूनियन लोज मतलब यूनियन ऑफ टू सिमेट्रिक इज सिमेट्रिक कॉड एट सो द्लोज अंडर यूनियन ऑपरेशन Okay, okay, so, क्लियर है इस्ट ओपन योअर माई कैन से तो वहां आप क्या डिस्कनेक्ट हो गए थे yes, <coughs> तो देखिए इिफ्लेक्सिव क्या था आपका कि यहाँ पर दोनों इक्सिव मतलब इसमें कोई भी सेल्फ पेयर नहीं है आपका यानी कि ये इर रिफ्लेक्सिव है और आर टू भी क्या है आपका इलेक्सिव बिकॉज देयर इज नॉट एनी सेल्फ पेयर तो जब दोनों में सेल्फ पेयर नहीं है तो जब आप यूनियन लेंगे तो डेफिनेटली यूनियन के बाद भी कोई सेल्फ पेयर नहीं आएगा दैट्स व्हाई हम क्या बोल रहे हैं कि इट इज क्लोज जो भी आप इनपुट ले रहे हैं उसका उस प्रॉपर्टी का सेटिस्फाई करना कंपलसरी है ठीक है अभी आपके रिजल्ट पे डिपेंड करेगा कि वो होगा या नहीं ओके चलिए द नेक्स्ट इज थ्री हो गया फोर्थ एंटीसीमेट्रिक एंटीसिमेट्रिक होगा या नहीं बताइए द यूनियन ऑफ टू एंटीसिमेट्रिक इज एंटीसिमेट्रिक और नॉट यस, सो मैक्सिमम का आंसर करेक्ट है, ठीक है क्योंकि देखिए एंटीसिमेट्रिक में आप क्या बोलेंगे मैंने एक रिलेशन लिया आर वन दन कॉमा टू तो ये एंटीसिमेट्रिक है आपका बिकॉज एंटीसिमेट्रिक क्या बोलता है अगर ए बी प्रेजेंट है तो बी ए या तो प्रेजेंट नहीं होगा और अगर प्रेजेंट है तो दोनों इक्वल होने चाहिए सो so, हमने बोला सिर्फ वन टू लिखा है हमने तो टू वन यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है सो बाय डिफॉल्ट एंटीसिमेट्रिक तो दैट इज एंटीसिमेट्रिक और आर टू मैंने ले लिया दैट इज टू वन इट इज ऑल्सो एंटीसिमेट्रिक ठीक है तो ये आपका एंटीसिमेट्रिक है एंड इट इज ऑल्सो एंटीसिमेट्रिक सो यूनियन ऑफ आर वन एंड आर टू दैट इज ऑल्सो एंटीसीमेट्रिक आर वन यूनियन आर टू इज ऑल्सो एंटीसीमेट्रिक सॉरीट इज नॉट एंटीसीमेट्रिक क्योंकि वन टू और टू वन दोनों प्रेजेंट है तो दोनों इक्वल नहीं है यानी यह क्या बन गया आपका सिमेट्रिक बट नॉट एंटीसीमेट्रिक ठीक है सिमेट्रिक बट नॉट एंटी सिमेट्रिक सो यूनियन ऑफ टू एंटीसीमेट्रिक इज मे और मे नॉट देखिए अगर मान लीजिए एग्जाम्पल आप इस टाइप से लेते हैं अगर आप लेते हैं तो दैट इज ऑल्सो एंटीसीमेट्रिक इज ऑल्सो एंटीसीमेट्रिक ठीक है यह भी एंटीसीमेट्रिक है एंड दैट इज एंटीसीमेट्रिक सो

Union of two antisymmetric is may or may not antisymmetric. Got it. Clear? Write it. Okay. <laughs> now the next is asymmetric. Asymmetric. एसीमेट्रिक दैट इज फिफ्थ अगेन नो गॉड बिकॉज एसेमेट्रिक केस में भी आप क्या बोलेंगे वही लॉजिक उसी एग्जाम्पल से प्रूव कर सकते हैं आप वन टू एसेमेट्रिक क्या बोलता है वन टू है तो टू वन नहीं होना चाहिए ठीक है सो वन टू आपने लिखा दट इज एसेमेट्रिक एंड टू वन दट इज ऑल्सो एसीमेट्रिक

क्योंकि अगर आपने आर वन लिया है एक पेयर वन टू और आर टू ले लिया है आपने दैट इज वन थ्री तो उस केस में आपका यूनियन एसिमेट्रिक होगा दैट इज वन टू एंड वन थ्री दैट इज एंड एसिमेट्रिक ठीक है सो मे और नॉट वाला केस क्लियर है लास्ट ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव होगा या नहींन ट्रांजिटिव इज ऑल्सो नॉट सेम एग्जाम्पल रिलेशन आर वन इज वन टू वन टू इज ट्रांजिटिव सिर्फ सिंगल पेयर इज ऑलवेज ट्रांजिटिव जो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी पड़ी थी हमने वन टू इज ट्रांजिटिव एक लिख दिया मैंने टू वन या टू थ्री कुछ भी लिख सकते हैं सो वन टू और टू वन दोनों क्या है आपके ट्रांजिटिव है बट यूनियन लेने के बाद आपके जो दो पेयर आ रहे हैं ओनली दैट वन टू एंड टू वन बट अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी वन टू और टू वन है तो वन वन भी यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए था बट वन वन नहीं है दैट मीन इट इज नॉट ट्रांजिटिव सो ये ट्रांजिटिव नहीं है आपका सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव यानी कि हम क्या बोलेंगे इट इज नॉट क्लोज क्लोज नहीं होगा अंडर यूनियन ठीक है सो दैट इज दॉट क्लोज ठीक है सो नॉट क्लोज वर्ड का आपने लिखा है सो दैट मीन्स इट इज मे और मे नॉट वाला केस ठीक है जब भी आप नॉट क्लोज लिखेंगे यानी किसी एग्जाम्पल के लिए प्रूफ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है सो so इस केस में भी आप लिख सकते हैं दो डिफरेंट पेयर का यूनियन करेंगे तो वो ट्रांजिटिव आ जाएगा रिलेटेड पेयर का करेंगे तो नॉट ट्रांजिटिव होगा तो देखिए इस पे आपको क्वेश्चन मान लीजिए इन सारी प्रॉपर्टी को देखने के बाद आपसे पूछते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन क्लोज्ड होगा या नहीं यूनियन के रिलेशन क्लोज्ड और नॉट नहीं होगा सर यस yes. बिकॉज कौन सी प्रॉपर्टी के कारण सिक्स प्रॉपर्टी क्लोज नहीं है स ट्रांजिटिव देखिये इक्वी बैलेंस के लिए तीन चाहिए हमें वन इज रिफ्लैक्सिव सो रिफ्लैक्सिव तो आपका क्लोज है ये क्लोज है सिमेट्रिक ये भी क्लोज है बट ट्रांजिटिव इज नॉट क्लोज ठीक है ये क्लोज नहीं है सो so, ये क्लोज नहीं है दैट्स वॉर इक्वी बैलेंस रिलेशन इज ऑल्सो नॉट क्लोज that is also not closed under union ठीक है तो कोई भी एग्जाम्पल ले लें आप जो दो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक को फॉलो कर रहे हैं ठीक है यानी ये इंडिविजुअली फॉलो कर रहे हैं तीनों प्रॉपर्टी को और यूनियन करने के बाद वो इनडायरेक्ट ट्रांजिटिविटी एग्जिस्ट कर रही है वहां पे सो दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन तो ये आपकी फर्स्ट सिक्स प्रॉपर्टी क्लियर है तो इसके कॉम्बिनेशन से जो भी आपका रिलेशन दे बनाए उसमें अगर वो सारी प्रॉपर्टी क्लोज है तो आप बोलेंगे यस yes, अदरवाइज आप क्या बोलेंगे नॉट गॉट इट? सो इक्विवेलेंस रिलेशन इज नॉट क्लोज सेम आपका द लास्ट वन इज़ दी जो हमने टाइप पढ़ा पार्शियल ऑर्डर सो ये भी आपका नहीं होगा क्लियर है ना यस अगेन ड्यू टू ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव एंड आई थिंक एंटी सेमेट्रिक भी क्लोज नहीं है दोनों की वजह से रिफ्लेक्सिव क्लोज है एंटी सेमेट्रिक इज नॉट क्लोज एंड ट्रांजिटिव इज ऑल्सो नॉट क्लोज सो ड्यू टू दिस दिस रिलेशन इज नॉट क्लोज अंडर यूनियन ठीक है

एग्जेक्टली exactly आपको सेम किसके लिए देखना है द नेक्स्ट वन इज इंटरसेक्शन ठीक है तो इंटरसेक्शन क्या करता है आपका दैट कंसिस्ट ऑफ ऑर्डर विच आर इन पोथ रिलेशन जो दोनों में वो लेगा यानी कॉमन ठीक है दैट कंसिस्ट ओनली कॉमन पेयर्स तो देखिए वन बाय वन प्रॉपर्टी देखते जाए हम फर्स्ट रिफ्लेक्सिव बताते जाइए आप रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं yes. नहीं होगा सर क्यों देखिए रिफ्लेक्सिव यानी दोनों रिलेशन में सेल्फ पेयर और दोनों रिलेशन में सेल्फ पेयर तो इंटरसेक्शन में भी होंगे इंटरसेक्शन कॉमन वैल्यूज लेता है ठीक है तो देखिए मैं एक एक वर्ड से यहाँ पर रिप्रेजेंट करूंगा रिफ्लेक्सिव इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं हम सो क्लोज ठीक है एग्जाम्पल आर वन रिलेशन लिया आपने दैट इज वन वन टू टू थ्री थ्री ठीक है एक कॉमन सेट हमने यहाँ पे लिख दिया पहले ही ऊपर दैट इज वन टू थ्री इसके ऊपर हम रिलेशन बनाएंगे थ्रू आउट ऑल प्रॉपर्टीज सो आर वन इज दिस दैट इज रिफ्लेक्सिव आर टू डेफिनेटली यहां पे वन वन ठीक है टू टू थ्री थ्री एंड वन टू एक पेयर एक्स्ट्रा लिख दिया हमने नाउ व्हाट इज द इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन इज वन वन टू टू एंड थ्री थ्री डेफिनेटली तीनों पेयर दोनों सेट में है दोनों रिलेशन में है तो इंटरसेक्शन में भी होंगे तो जब आर वन आपका क्या है रिफ्लेक्सिव आर टू रिफ्लेक्सिव है देन आर वन इंटरसेक्ट आर टू इज ऑल्सो रिफ्लेक्सिव टू क्लोज अंडर इंटरसेक्शन ठीक है प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन देख रहे हैं हम सो इट इज क्लोज रिफ्लेक्सिव इज क्लोज वॉट एट इिफ्लेक्सिव सो यस अगेन क्योंकि अगेन दोनों पेयर में सेल्फ पेयर नहीं है तो इंटरसेक्शन के रिजल्ट में भी नहीं आएंगे तो ठीक है कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं आर वन इक्वल टू मान लीजिए अब देखिए इंटरसेक्शन का वर्स्ट केस क्या हो सकता है व्हाट इज द वर्स्ट रिजल्ट ऑफ इंटरसेक्शन फाइव एंड हमें पता है कि फाइ सेफाई ऑल प्रोपर्टी एक्सेप्ट रिफ्लेक्स

सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होगी या अगेन देखिए सिमेट्रिसिटी का मतलब क्या हो आप हम क्या बोल रहे हैं इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं यानी कॉमन चीजें तो अगर एक रिलेशन में दो सिमेट्रिक पेयर है और दूसरे रिलेशन में दो सिमेट्रिक पेयर है तो या तो दोनों सेम होंगे या दोनों सेम नहीं होंगे और अगर सेम हुए तो दोनों पेयर रिजल्ट में आएंगे अदरवाइज फाइव आ जाएगा एंड फाइव इज ऑल्सो सिमेट्रिक दैट मीनस इट इज हंड्रेड परसेंट क्लोज क्या होगा आपका क्लोज होगा लाइक द एग्जाम्पल इज आर वन वन टू टू थ्री सॉरी टू वन ठीक है आर टू अगर मैंने लिखा लाइक टू थ्री थ्री टू अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो फाइव हो जाएगा अगर माने मैंने दो पेयर और एड कर दिए वन टू टू वन सो इट इज सिमेट्रिक इट इज सिमेट्रिक देखिए बस एक पॉइंट याद रखना है हमेशा कि इनपुट इज ऑलवेज सिमेट्रिक आर वन आर टू आपको सिमेट्रिक लेना है तभी आप प्रूफ करेंगे कि रिजल्ट सिमेट्रिक है या नहीं है तो आर वन इंटरसेक्ट आर टू इज ऑल्सो वन टू टू वन दैट इज दिमेट्रिक दैट इज क्लोज सो फर्स्ट थ्री प्रॉपर्टी आपने देखी रिफ्लेक्सिव इन रिफ्लेक्सिव सेमैट्रिक तीनों क्या है आपकी क्लोज है गॉट इट नाउ द नेक्स्ट सिमेट्रिक ये होगा या नहीं बताइए यस सर अगेन यस बिकॉज इंटरसेक्शन सो so आप कोई भी दो पेयर लेट्रिक या पहले ए देख लेते हैं यस चलिए वन टू एंड आर टू क्या है आपका मान लीजिए टू वन सो डेफिनेटली या तो दोनों पेयर क्या होंगे डिफरेंट या दोनों अगर आपके एग्जैक्टली exactly सेम है तो उसका सिमेट्रिक पेयर तो होगा ही नहीं और इंटरसेक्शन आपका वर्ष रिजल्ट देगा अगर दोनों में आपने अलग अलग पेयर लिए तो आर वन इंटरसेक्टर आर टू क्या होगा आपका दैट इज

Again, yes. So closed. Correct. So it is also closed. Same example you can prove with the help of same example. R1 is 1, 2, that is antisymmetric. R2 is 2, 1, that is also anti-symmetric. And the intersection of this 2 is 5. That is also antisymmetric. Okay. Koi bi though <laughs> antisymmetric lay इंटरसेक्शन हंड्रेड परसेंट आपका क्या होगा एंटीसिमेट्रिक होगा so that is also antisymmetric. तो देखिए अभी तक सारी प्रॉपर्टी आपकी क्लोज है ना द लास्ट वन इज लिए? ट्रांजिटिव इज क्लोज और नॉट होगी ठीक है देखिए अगर आपने एग्जांपल लिया आर वन, सेम अगर ऊपर के दो अगर आप देखें तो वन टू और टू वन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है है तो ये तो क्लियर है अब अगर हम ट्रांजिटिव में बात करें कि अगर कोई भी आप इनडायरेक्ट ट्रांजिटिविटी कब बनती है जब सारे पेयर इंक्लूड हो रहे हो अब इंटरसेक्शन में तो हम कॉमन ही इंक्लूड करेंगे

आपने एक पेयर ले लिया वन वन सो वॉट इज द इंटरसेक्शनसेज ओनली कॉमन एंड सो ये ट्रांजिटिव होगा आपका दैट मीन्स इट इज ऑल्सो क्लोज तो देखिए सारी प्रॉपर्टी क्लोज है इसका मतलब क्या हुआ आपका इक्वी बैलेंस और पार्शल ऑर्डर भी क्या होगा क्लोज होगा क्योंकि इक्विवेलेंस को तीन प्रॉपर्टी चाहिए अभी हमने बोला टोटल सिक्स प्रॉपर्टी आपकी रिफ्लेक्सिव ए सिमेट्रिक, एंटीसीमेट्रिक ए सीमेट्रिक ट्रांजिटिव सारी क्लोज है यानी कि आपका इक्विवेलेंस और पार्शल ऑर्डर इज आल्सो क्लोज सो इक्विवेलेंस बैलेंस रिलेशन दल्सो क्लोज एंड पार्शल ऑर्डर

सो so, इंटरसेक्शन के केस में तो कुछ याद रखना ही नहीं है, हमें सभी क्लोज्ड है ठीक है यूनियन के केस में हमें तीन प्रॉपर्टी क्लोज बोलेंगे दैट इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ए रिफ्लेक्सिव दैट दिस थ्री प्रॉपर्टी क्लियर है ना या इक्विवेलेंस और पार्शियल ऑर्डर कैसे लिखा है हमने क्लोज्ड ये से क्लियर है ओके तो देखिए दैट इज जस्ट सिंपल हमने यहां पर क्लोजिंग प्रॉपर्टी देखी रिलेशन की ठीक है ना अब एक चीज हमें यहां पर देखना है दैट इज अभी हमने क्लोजिंग प्रॉपर्टी देखी एक वर्ड होता है आपका क्लोजर ऑफ रिलेशन ठीक है दो चीजें क्लोजिंग प्रॉपर्टी ऑफ रिलेशन एंड क्लोजर ऑफ रिलेशन क्लोजर का मतलब ये है कि आपको एक रिलेशन दिया है और बोला है फाइंड क्लोजर

set a has an element then total number of subsets then total number of subset that contain total number of subset that contain ठीक A, A है दैट कंटेन ए वेयर ए इज बिलोंग्स टू सेट ए ठीक है वॉट इज द क्वेश्चन एक सेट है ए जिसमें एन एलिमेंट है ठीक है लाइक इसको ए वन बोल देते हैं हम और सेट ए को आप इस तरीके से डिफाइन कर दें सेट है आपका ए वन ए टू ए थ्री अप टू एन एन एलिमेंट है ठीक है सो so, एलिमेंट का ये सेट है आपका आपको फाइंड करना है टोटल सबसेट्स, जिसमें वन प्रेजेंट है ठीक है टोटल सबसेट्स, यानी सेट के सबसेट निकालेंगे आप तो ऐसे कितने सबसेट होंगे जिसमें वन प्रेजेंट होगा ठीक है टोटल सबसेट दैट कंटेन वन और दैट नॉट कंटेन वन, ठीक है दोनों में से किसी का भी आंसर आप दे सकते हैं नॉट कंटेन एवन ठीक है

ठीक है आप एक एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं थ्री एलिमेंट का एग्जाम्पल ले वन टू थ्री एलिमेंट और उसमें सबसेट एट सेट बनेंगे उसमें देखो कितने में वन प्रेजेंट है और कितने में वन प्रेजेंट नहीं है नहीं कोई भी एक्साम्पल लिया हमने लाइक वन टू थ्री तीन एलिमेंट है यस टू रेस टू एन माइनस वन इज दी राइट आंसर वन टू थ्री लिया हमने इसके सबसेट्स बनाए आपने तो सेट ऑफ सबसेट क्या आएगा वन टू थ्री वन टू वन थ्री टू थ्री एंड वन टू थ्री एट सबसेट्स बन गए yes. इसमें इस से कितने में वन प्रेजेंट है वन टू थ्री एंड फोर फोर सबसेट्स में वन प्रेजेंट है और फोर में नहीं है नहीं, दोनों का आंसर सेम है कंटेन और नॉट कंटेन तो टोटल टू रेस टू एन सबसेट बने ठीक है उसके हाफ में प्रेजेंट है और half में नहीं है यानी so देखिए जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आए तो जस्ट एलिमेंट बोला है तो एन एलिमेंट लेके सॉल्व नहीं करना है थ्री एलिमेंट का सेट ले आप उसका सबसेट बनाए क्लियर हो जाएगा आपको क्योंकि देखिए आपको ये भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है हमें पता है कि सबसेट लेते वक्त ही आप क्या बोलते हैं कि या तो वो एलिमेंट इंक्लूड होगा या नहीं होगा तो जब उसके पास दो चॉइस चॉइस है तो टोटल एट में से दो डेफिनेटली हाफ उसके कंटेन वाली चॉइस होगी और हाफ नहीं वाली होगी क्योंकि हम क्या बोलते हैं कि जब सबसेट लेंगे तो या तो वन कंटेन या वन डज नॉट कंटेन क्लियर है यानी कि एक फाइव लिखना है आपको यहाँ पे टली हर एलिमेंट के लिए दो चॉइस है तो वो या तो इंक्लूड होगा या नहीं होगा तो टोटल एट में से हाफ में इंक्लूड हुआ होगा और हाफ में नहीं हुआ होगा तो देखिए सेम क्वेश्चन आपको इस टर्म में भी पूछा जा सकता है कि मान लीजिए आपको बोला है कि दैट that... या आज की पीपीटी ओके okay. तो पहले हम पीपीटी का प्रोसेस कर लेते हैं बाकी कल कंटिन्यू करेंगे ये सर बाद में भेज देगा पहले हाँ ठीक है वैसे एक ही क्वेश्चन पढ़ाने हूं मैं चलिए एक क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का मैं दैट हमने वर्ड यूज किया था दैट इज फॉर सेट तो सेम क्वेश्चन फॉर रिलेशन भी आपको पूछा जा सकता है ठीक है दैट रिलेशन यानी कि अगर आपसे बोला है लाइक नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं हम हमें बोला है कि रिलेशन ऑन सेट ए सेट ए दैट कंटेन एन एलिमेंट ए वन ए टू ए थ्री अप टू एन आर इज रिलेशन ऑन सेट देन हाउ मेनी सबसेट या हाउ मैनी हाउ मैनी रिलेशन हाउ मैनी रिलेशन कंटेन एवन कॉमा एवन ठीक है ठीक है सेम क्वेश्चन है आपका रिलेशन क्या है इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए तो A क्रॉस A के जितने भी सबसेट्स होंगे वो सारे आपके रिलेशन होंगे तो कितने रिलेशन में ए वन ए वन होगा और कितने में ए वन ए वन नहीं होगा दैट इज अ पेयर सेल्फ पेयर किसी भी पेयर के लिए बात पूछ सकते हैं हम हमने ए वन ए वन लिख दिया कोई भी वॉट एवर दी पेयर सो वॉट इज द आंसर ठीक है सेम लॉजिक है एग्जैक्टली सेम लॉजिक है मतलब दोनों सेम रहने चाहिए नहीं देखिए आप रिलेशन पहले आप क्या बोल रहे हैं एक रिलेशन डिजाइन करेंगे तो पहले तो आप एक कार्टिशन प्रोडक्ट लेंगे ओके 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 यस समझ गए वो कार्टिशन प्रोडक्ट के सबसेट्स निकाल रहे हैं आप तो कितने सबसेट में वो पेयर होगा और कितने में क्योंकि अब सेट ए नहीं है अब सेट है आपके पास एक क्रॉस यस ठीक है तो अगेन एक एग्जांपल से करें आप वन टू थ्री देखिये लॉजिक वही है आपका वन टू थ्री क्रॉस वन टू थ्री

अब लॉजिक वही है आपके पहले आपने क्या बोला था एक सेट के कितने कितने सबसेट में में वो पर्टिकुलर एलिमेंट होगा और कितने में नहीं होगा तो अब एलिमेंट की जगह आपका हाफ तो तो में, से में वन वन होगा और हाफ में नहीं होगा तो टू फिफ्टी सिक्स सबसेट में आपका वन वन होगा टू फिफ्टी सिक्स में नहीं होगा तो अगर एक लिखी आपने टू रेस टू एन स्क्वायर आपके कितने है? एन स्क्वायर कार्टिशन प्रोडक्ट का रिजल्ट है तो टू रेस टू एन स्क्वायर रिलेशंस बनेंगे आपके ये रिलेशन का फॉर्मूला लिखा था हमने टोटल रिलेशन उसमें से हाफ में वन वन होगा और हाफ में नहीं होगा तो दैट इज टू रेस टू एन स्क्वायर माइनस वन दैट इज आंसर, क्लियर है ना दैट एग्जैक्टली सेम लॉजिक ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व देश ठीक है इस पर और अलग तरीके से पूछा जाता है पहले हम इसी में एक दो क्वेश्चन और करेंगे फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्लियर चलिए तो दो मिनट वेट करिए आप मैं आपको ये पीपीटी शेयर कर देता हूं आज का जितना भी हमने पढ़ा है दिवाली वेकेशन कब से दिवाली वेकेशन कब से है ये आप उन्हीं से पूछिए आपका जो भी कॉलेज में है ठीक है क्योंकि मुझे भी नहीं पता है कि कब से दिवाली के दिन तो वेकेशन है इतना तो कन्फर्म है उसके पहले कब से वो देखना पड़ेगा 2 घंटे सर हां आप डिसाइड करेंगे ना सर हाँ? कब होगा मैं डिसाइड करूंगा ऐसा यस सर नहीं वो तो मैं ठीक है देखते हैं अभी ओके विल इनफॉर्म यू ऑलराइट यस चलिए मैं पहले आपको पे शेयर कर देता हूँ is on uploading सर पीपीटी नहीं आई अभी तक